साथियों, आज हम आपको एक ऐसा पक्षी के बारे में बताएंगे जो आप सुनकर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी चार पैरों वाला मुर्गा देखा है क्या? जी आपका उत्तर होगा नहीं। तो आज हम आपको चार या आठ पैर वाला पक्षी से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताएंगे। साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली अजब गजब पशु पक्षी के बारे में कुछ सीखने को मिल सके। तो आइए दोस्त, हम जानते हैं आठ या चार पैरों वाला पक्षी के बारे में। साथियों, आप हमेशा दो पैर वाला ही पक्षी देखे होंगे। इस वीडियो में जो पक्षी दिख रहा है, इसके आठ पैर दिख रहे हैं। आपको बता दें, यह तस्वीर हैरान कर देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यह पक्षी सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका में पाया जाता है। तो आइए जानते हैं इस पक्षी का नाम क्या है और इसे इस वीडियो में इसके आठ पैर दिख रहे हैं। क्या असल में इस पक्षी के आठ पैर होते हैं? साथियों, जो तस्वीर में पक्षी दिख रहा है, इस पक्षी का नाम अफ्रीकन जकाना पक्षी है। जी हाँ दोस्तों, इसकी पहचान इसके पैरों के जरिए ही की जाती है। आपको बता दें कि इसके पैर लंबे होते हैं और उसके पंजे काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। वैसे तो इनके दो ही पैर होते हैं, लेकिन इस वीडियो में इनके इतने ज़्यादा पैर क्यों दिख रहे हैं, यह दिलचस्प कहानी है। साथियों, अफ्रीकन जकाना पक्षी नर पक्षी अपने चूजों का ख्याल बहुत ज़्यादा रखता है। वही अंडों को सेता है और चूजों को खाना देता है, उनकी रक्षा का ख्याल रखता है। दरअसल अब हम इनके टांगों के बारे में जानते हैं। असल में जब चूजे छोटे होते हैं तो जकाना पक्षी इनके अपने पंखों में लपेटकर पानी की सतह से थोड़ा ऊपर उठा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपको वीडियो में दिख रहा है, चूजे का शरीर पंखों में छिप जाता है, पैर बाहर रहते हैं। इसे देखकर लगता है कि जकाना पक्षी के कई सारे पैर लग गए हैं। साथियों, आपको बता दें कि अफ्रीकन जकाना पक्षी झीलों में बहने वाली पेड़ पौधे के आसपास रहना बेहद पसंद करते हैं। वैसे तो इनकी प्रजातियां कई देश में मिलती है, लेकिन अफ्रीकन जकाना उप सहारा वाले इलाकों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। साथियों, आपको बता दें कि अफ्रीका में इसे जाकिनीडे कहते हैं। इसके शरीर पर कई ऐसे निशान होते हैं जिससे यह पहचाना जाता है। अफ्रीकन जकाना पक्षी की लंबाई करीबन 30 सेंटीमीटर होती है, लेकिन आपको बता दें कि इनमें मादा पक्षी नर पक्षी की तुलना और आकार में बड़ी होती है। यह पक्षी कीड़ों और अन्य कोशी रूपी जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। साथियों, ऐसे पक्षी तालाब और जल स्रोतों के पास रहते हैं जो कम गहराई के होते हैं, जहाँ बड़े बड़े पत्ती पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। दोस्तों, अफ्रीकन जकाना पक्षी के अंडे भूरे रंग के होते हैं। इनके ऊपर काली धारियां होती है जो मादा पक्षी के अंडे को तैरते हुए पत्ते पर देने के बाद अलग चलती जाती है। मादा पक्षी अंडे को तैरते हुए पत्ते पर देने के बाद अलग चली जाती है। इसके बाद शुरू होता है नर पक्षी का काम। वह चूजों को बड़े और शिकार करने लायक बनाने तक सुरक्षा देता है और पालन पोषण करता है। साथियों, आपको बता दें कि इनके पीछे वैज्ञानिक के दो कारण बताते हैं। पहला ये है कि जिस जगह से ये अंडे देते हैं, वहाँ काफ़ी खाने पीने की चीज़ें होती है। मादा पक्षी अंडे देने के बाद खाने पीने चली जाती है। दूसरा, इन पक्षियों में काम को लेकर कोई भेद नहीं होता है। आपको बता दें, इनके नर और मादा पक्षी आपस में मिलकर सारे काम करते हैं, इसलिए नर जकाना पक्षी अगर चूजों का ख्याल रखता है तो मादा सबके लिए खाना की व्यवस्था करती है। लेकिन एक बड़ी दिक्कत है कि जकाना नर पक्षियों के साथ अंडे देने के कुछ समय बाद मादा जकाना पक्षी अपना एक अलग घोंसला बनाती है, जिसमें अंडे का ख्याल रखने वाला नर जकाना तभी आ सकता है जब तक वह उसके अंडे का ख्याल रखता है। जैसे ही अंडे का ध्यान रखना पक्षी ने बंद किया, मादा किसी और नर जकाना पक्षी को खोज लेती है। साथियों, हमें उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह आर्टिकल कैसा लगा।